हिस्सा रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान जो हमारे साथ, एक जर्नी जो 40 साल हमने इस इंडस्ट्री में साथ गुजारी है, उसकी एक डिटेल स्टडी उसने इस किताब में लिखी है, जो कोई भी दर्शक जो फिल्म लाइन से जुड़ा भी नहीं हो अगर ये पढ़े तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत फैसिनेटिंग जर्नी एक शख्स अमित खन्ना के लेवल का ही लिख सकता है। तो आई फील दैट दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। अमित खन्ना की कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़ा हुआ है, और इस किताब के ज़रिए वो हम सबको एक फिल्म इंडस्ट्री की एक जर्नी लास्ट 5 decades में हम किस किस मोड़ से गुजरे हैं उसकी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग इस किताब में मिलेगी। सर, ये भारत में जो नया कानून संशोधित हुआ है CAA, उसके बारे में क्या कहना है? वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ कहना चाहिए? देखिए, अभी हम इतने अच्छे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में बात करें, मैं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, मगर मैं पर्सनली बहुत अपसेट हूँ इस पूरे CAA से, क्योंकि पूरा देश रो रहा है, पूरा देश जल रहा है। अभी उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिखता नहीं है तो फिर दुर्भाग्य की बात ही है, क्योंकि अगर ये बात फुल एंटायर कंट्री में हो रही है और हमारे यंग जवान बच्चे सड़क पे उतर आए हैं, तो हमें गौर तो करना पड़ेगा ना कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ये मतलब ये इसके बारे में डिस्कस करना क्या मुझे लगता है कि नहीं, कि इसमें कुछ बात है। यू हैव टू लुक एट इट कि भाई हमारी यूथ, आप बोलोगे कि वो भटक गए हैं, ये वो, ये आपको तसल्ली देने की बात अलग है, बट बात ये है कि कुछ गलत हुआ है और हमें उसका सुधार लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए हमको पता नहीं, हम तो सिर्फ मनोरंजन करना जानते हैं। मगर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में क्या? वायलेंस के खिलाफ हूँ मैं, मगर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो उसके बारे में सरकार को गौर तो करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। जी अमित जी, मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनकी एक गाइडेंस हम लोग घड़ी घड़ी लेते हैं, एंड ही द वेल विशर ऑफ द फैमिली एंड वी आर हिज वेल विशर, एंड ग्रेट टू सी दैट ही फाइनली पुट एवरीथिंग डाउन इन वर्ड्स इन अ बुक, एंड आई एम हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर। और इसके अलावा इन दिनों हम देख रहे हैं जो CAA को लेकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, एक बार मैं पढ़ लूँ सब चीज़ डिटेल में, फिर उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ। प्रोटेस्ट को लेकर, आप जो यूथ के प्रोटेस्ट को लेकर, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। अमित जी के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, साइलेंस प्लीज। आपकी प्रतिक्रिया, आपने स्टेज पे भी बहुत अच्छी मेमोरी शेयर की, यहाँ पर अगर आप कुछ बता। देखिए, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं अमित जी और बड़े एक्सेप्शनल आदमी हैं, जिस तरह की नॉलेज उनकी है, जिस तरह की, यानी दो चीज़ें होती हैं इंसान में, दिल और दिमाग। बहुत से लोग होते हैं उनका दिल अच्छा होता है, बहुत से लोग होते हैं उनका दिमाग अच्छा होता है। ये एक आदमी है जिसका दिल और दिमाग दोनों अच्छा है, ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल है, नहीं मिल सकता है, और इतनी नॉलेज वाला इंसान भी ज़रा कम मिलता है। तो मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं, मैं बधाई देता हूँ उन्हें, जो उन्होंने लिखी है किताब, वो वही लिख सकते थे कि समझिए 2500-3000 साल की इंटरटेनमेंट की हिस्ट्री इस देश की लिखी है। अमित जी के बारे में स्टेज पर बहुत आपके कुछ ब्यूटीफुल, अगर आप कुछ। इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई एम हियर टू विश हिम लक। किताब भी लिखी हो तो जबरदस्त लिखी हो, जैसे कि हर काम चलो। देखिए, ये कमाल की किताब लिखी है उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन इंडिया। अमित खन्ना मेरे दोस्त रहे हैं कॉलेज के दिनों से, और उस दिन से आज तक एक बात उनकी बहुत खास है कि उनका हमेशा बहुत
दूर की दृष्टि थी, लॉन्ग विजन, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट थिंग्स, और सॉन्ग राइटर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं, कंपनीज बनाई हैं उन्होंने, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हॉलीवुड में करवाई हैं, बहुत सी चीज़ें अमित खन्ना ने की हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि मैं इस अवसर पर यहाँ आ सका जब उन्होंने इतनी अच्छी किताब और इतनी मोटी किताब लिखी है जिसमें सारी जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, समझो मोहनजोदारो के टाइम से लेके आज के मोहनजोदारो तक, इसके अंदर मैं भी था उसमें, आज के मोहनजोदारो में न जाने उस दिन के मोहनजोदारो में भी हो सकता था मैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप रीबर्थ में बिलीव करते हैं या नहीं। सर एक सवाल और, कि आजकल जो माहौल चल रहा है सीए को लेकर, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, एक्ट है, जो माहौल चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और क्या कुछ कहना चाहें, क्या ये कानून सही है जो इस वक्त मैं यहाँ अपने दोस्त अमित खन्ना के लिए आया हूँ, ये किताब वर्ड साउंड इमेजेस को लॉन्च करने आया हूँ, मैं सिर्फ अमित खन्ना और इस किताब की बात करूँगा, क्योंकि ये अवसर जो है बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, जिसने जिस शख्स ने 1000 पन्ने की किताब लिखी हो उसको इतनी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए कि इस अवसर पर उसी की बात हो। थैंक यू सर।